नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। भंडारा में अस्पताल में जिंदा जलने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। वार्ड में मौजूद थे कुल 17 बच्चे। आग हादसे में सीएम ठाकरे ने दिए हैं जांच के आदेश। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी इस घटना पर शोक जताया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने दुख जताया है। एक बड़ी घटना यहाँ पर हो गई है जहां पर 10 बच्चों की मृत्यु हो गई है। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और अस्पताल प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है कि आखिरकार एक वार्ड में आग लगी जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की बन जाती है और अस्पताल प्रशासन की ये लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हो गया है। तो यही है, महाराष्ट्र के भंडारा के सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में बीती रात 2 बजे आग लग गई। आग में 10 बच्चे की मौत हो गई है। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक की बताई जा रही है। जिन बच्चों ने अभी जिंदगी का मुंह भी ठीक से नहीं देखा था, एक बड़ी लापरवाही ने उनकी जान ले ली। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आईसीयू वार्ड में आग लगी थी जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आईसीयू वार्ड में कुल 17 बच्चे थे, 10 बच्चे नहीं बच सके हैं। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने दरवाजा खोला और कमरे में चारों तरफ धुआं देखा तो उसने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को बता दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग लगने की वजह अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो सकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस वक्त की ताजा और अहम खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर महाराष्ट्र में एक अस्पताल है, ऐसे में उसमें आग लगी है जहां पर 10 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बात की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान से भी बात की है। उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस वक्त की ताजा खबर आप तक पहुंचा रहा है न्यूज वर्ल्ड इंडिया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमने कई युवा जीवनों को खो दिया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के भंडारा में हृदय विदारक घटना हुई है, हमने कई बहुमूल्य नौजवानों की जिंदगियों को खो दिया है। उम्मीद है कि घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे में इस वक्त की ताजा और अहम खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है जहां पर बड़ी घटना सामने आई है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है जहां पर भंडारा में अस्पताल में जिंदा जलने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है कि आखिरकार एक आईसीयू वार्ड में आग कैसे लग जाती है। अगर आग लगती भी है तो वहां पर पूरे इंतजाम क्यों नहीं रखे गए थे। फिलहाल सीएम उद्धव ठाकरे ने भी जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है।